और ये जो सीढ़ी है वो कभी यमुना नदी में उतरा करती थी, अब अपने इतिहास के खंडहरों में उतर रही है। यमुना यहाँ से 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर जा चुकी है और उसकी जो ज़मीन है, नदी की छोड़ी हुई जो ज़मीन है, उस पर अवैध कब्जे करके लोगों ने अपने अपने मकान बना लिए हैं। यह सीवेज ही है, नदी नहीं, नदी नहीं है, नदी का स्वरूप तो दिल्ली से ही बिगड़ गया है। कालिंदी कुंज से ही आप देखना शुरू करें, कालिंदी कुंज में जब बैराज से गिरता है पानी, बिल्कुल ब्लैकेस्ट टाइप का वहीं से गिरता है। हाँ। और उसके बाद ये आगे बढ़ता है तो इसमें हरियाणा के ड्रेनेज भी मिलते हैं। तीसरा एक रिवर हिंडन आती है गाजियाबाद से, उसमें रिवर हिंडन में भी डोमेस्टिक सीवेज आता है, वो भी ब्राउनिश रिवर चलती है, वो भी मतलब क्लियर रिवर नहीं है। तो ये सब आगे यमुना में ही मिलते हैं। तो यमुना यूपी में प्रवेश करती है जहाँ पे शाहपुर एक जगह है, उसी शाहपुर के पास में एक गुची ड्रेन भी हरियाणा से आती है, वो इंडस्ट्रियल ड्रेन भी है, इंडस्ट्रीज का पानी मिलता है। उस ड्रेन की डीओ डिजॉल्व ऑक्सीजन हमेशा जीरो के आसपास रहती है, यानी कि जो भी पानी उस ड्रेन से आता है वो मरता है, और वो यमुना में मिलके जो यमुना के जल है उसकी क्वालिटी को और भी खराब करता है। यमुना में तो ऊपर से ही पानी जो है वो खराब क्वालिटी का आ रहा है मथुरा में, और रही सही जो कसर होती है जो हमारा डोमेस्टिक सीवेज है वो पूरी कर देता है, वो जो है उसकी क्वालिटी और डिटोरिएट कर देता है। पर्यावरण अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली वाले यमुना का साफ पानी पीकर उसे नाले में बदल देते हैं और मथुरा भेज देते हैं, नतीजा पानी पीने के लायक नहीं रहा। ये सीवेज है नदी नहीं, जिसमें लोग नदी समझकर नौका विहार कर रहे हैं, बल्कि दुनिया में अगर नाले में कहीं नौका विहार होता है तो वो मथुरा है। हमारे मथुरा में पानी की क्वालिटी पीने योग्य कतई नहीं है। जब भी यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण पर्व होता है, जब भी पानी की कमी होती है, तो गंगा का एडिशनल पानी ऐड करके तब हमारी वाटर क्वालिटी या